नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही खतरनाक एक बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूं। दोस्तों आपके मोबाइल में अगर साइलेंसर नहीं है पीछे से, जहां से हम टच करके अपने मोबाइल को ऑन कर लेते हैं, आज मैं इसी के रिगार्डिंग आपको बताने वाला हूं। दोस्तों आप बिना आपके अगर नहीं भी है तो अभी आप कर सकते हैं कैमरा की मदद से। ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है दोस्तों, इस एप्लीकेशन को यूज़ करके आप ज़रूर अपने मोबाइल में बिना साइलेंसर के लॉक को ओपन कर सकते हैं। दोस्तों ये कैसे होगा मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने अपने मोबाइल में ऐड जैसे कर लिया है, मैं इसे लॉक करता हूँ। लॉक करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे लॉक हो चुका है, ठीक है। इसके अंदर पीछे ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें मैं कैमरे से करूँगा जो भी करूँगा। अगर फिर मैं इस पर दोबारा क्लिक करके लॉक को ओपन करता हूँ, आपके सामने खुलेगा, लेकिन बिना आपके उंगली के नहीं करेगा। अगर मैं इस उंगली पर करता हूँ, क्योंकि दोस्तों इस उंगली पर मैंने टच जो इसका साइलेंसर है मैंने नहीं करा है, आप देखेंगे अभी कुछ भी नहीं होगा, नॉट मैच दिखा देगा। अगर मैं कुछ करता हूँ यहाँ पे फेल दिखा देता है, ठीक है। अब मैं दिखा इस उंगली का करके दिखाता हूँ, नहीं लेगा। तो दोस्तों थोड़ा सा ऐसे ही लेता है कि आपको सही से रखना पड़ेगा उंगली को, वरना ये मना कर देगा, ठीक है। ये लेगा नहीं, तो ये लेगा ही नहीं। और जो मेरी ये वाली उंगली का है दोस्तों, पहली उंगली का, मैं इसका दिखाता हूँ, इसका ले लेगा, क्योंकि इसी पे मैंने ये इसका पासवर्ड लगाया हुआ है। तो दोस्तों ये ओपन हो जाएगा, क्योंकि मेरी इस उंगली का टच और का था, इसमें ओपन हो चुका है। तो दोस्तों ऐसे ही आप भी अपने मोबाइल में लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। मैं फिर से एक बार लॉक करके दिखाता हूँ आपको। लॉक को आपको करना है, अगर कोई आपका मोबाइल कोई नहीं छेड़ सकता बिना उसके आपके फिंगरप्रिंट के, तो मैं सब फिर से लगा के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, तो ये लॉक ऐसे से खुलेगा, ठीक है दोस्तों। अगर ये आपको अपने मोबाइल में अपडेट करना है, अपने मोबाइल में भी ऑन रखना है इस एप्लीकेशन को, तो वीडियो पे बने रहें लास्ट तक। दोस्तों आप वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों, अभी से लाइक कर दें। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अब ये आपको करेंगे कैसे, आप कैसे बनाएंगे इसको, आपको जाना होगा दोस्तों पहले प्ले स्टोर के अंदर। चलो मैं इस एप्लीकेशन को, मैंने जो इंस्टॉल करा हुआ है, मैं इसको हटा देता हूँ। तो मैंने एप्लीकेशन को हटा दिया दोस्तों, मैं फिर से इसे इंस्टॉल करके आपको दिखाऊंगा सामने में। मैं चले जाता हूँ प्ले स्टोर के अंदर, ठीक है दोस्तों। मैं प्ले स्टोर के अंदर गया, अब प्ले स्टोर में ऊपर सर्च करना है आपको यहाँ पे ICE। जैसे आप ICE लिखते हैं दोस्तों, सबसे पहले जो ऑप्शन आपके उसमें आ जाएगा अनलॉक का, आप इस पर चले जाएंगे, इसे इंस्टॉल कर लेंगे। चलो मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, स्पीड थोड़ा सा सही है नेट की। तो दोस्तों बहुत ही मुश्किल से मैंने सेटअप बना रखा है कैमरे का, यहाँ पे अपने दूसरे मोबाइल से मैं भी बना रहा हूँ और एक मोबाइल को यूज़ ये कर रहा हूँ। नेट की स्पीड भी ज़्यादा अभी खास नहीं चल रही। तो दोस्तों इंस्टॉल हो चुका है, बस प्रोसेसिंग चल रहा है, इस पर भी इंस्टॉलिंग चल रही है, तो हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ, 100% दोस्तों आपको ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन बहुत ही अच्छी है और आप इसे यूज कर सकते हैं, कोई भी आपका मोबाइल नहीं छेड़ सकता बिना आपके फिंगरप्रिंट के। आप सोच रहे हैं दूसरा फिंगरप्रिंट इसमें लगाएं, तो वो नहीं लेगा, वो फेल बता देगा उसको, ठीक है दोस्तों। आपको जिस उंगली से आप करेंगे उसी का लेगा, वरना दूसरे का नहीं लेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, अब मैं बीच वाली उंगली का लूँगा, ठीक है। तो मैं इसे ओपन करके आप दिखा दूँ, जब आप इंस्टॉल कर लोगे, ओपन करेंगे आप, स्टोरेज रनिंग में चल रहा है, तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिख रहा हो आई हैव रीड, तो आपको इस पर क्लिक करना है, गो टू सेटिंग, ठीक है। गो टू कर दोगे तो उसके बाद कंटिन्यू, यहाँ पे कोई भी अपना पिन दे सकते हैं आप, 1 2 3 4 मैंने दे दिया, ऐसे ही कंटिन्यू कर लेता हूँ 1 2 3। अगर कोई आप गड़बड़ जाते हो, आप भूल जाते हो, तो आपको ये काम आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको इधर को सिलेक्ट करना है, इधर को, तो यहाँ पे पूछेगा डोंट शो दिस गाइडलाइन अगेन, आप कंटिन्यू कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको किस अपने फिंगर पे कौन से उस पर लगाना है, ठीक है, राइट या लेफ्ट। मैं यहाँ पे लेफ्ट कर लेता हूँ और बीच वाले पे कर लेता हूँ, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो मैं बीच वाली उंगली यहाँ पे रख दूंगा, आपको यहाँ पे सही से इस उंगली को हिलाना नहीं है, बस ये 4-5 प्रोसेस करने हैं आपको ऐसी, तो आप देख सकते हैं जल्दी जल्दी हो जाएगा, 3 हो चुके हैं, चौथे की बारी आ गई। तो दोस्तों ऐसी आप अच्छे से प्रोसेस करेंगे तभी आपका हो पाएगा, आप उंगली को हिलाना मत और सही से प्रिंट होने देना, ताकि बाद में कोई आपके मोबाइल में कुछ दिक्कत ना आए इससे। लास्ट है, तो दोस्तों इसको करने के बाद आप जब आप कर लोगे, इसको करने के बाद आप नीचे यहाँ पे देखेंगे मैच कंफर्म हो चुका है, और इस पर आप यूज़ दिस करेंगे, ठीक है,
इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों एक ओपन हो जाएगा आपके सामने में, यहाँ पे ओके का ऑप्शन होगा, ओके सेट द डिफॉल्ट, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो आइकन आ जाएगा आपका इस एप्लीकेशन का, आप इस पर क्लिक कर देंगे, सॉरी यहाँ पे रिमेंबर मी माई चॉइस, और इस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पे ऑप्शन आपका आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, हटा देना है, ठीक है। अब मैं इसके लॉक करके आपको दिखाता हूँ, ये लॉक करके दिखाता हूँ आपको, मैं लॉक को आपको पावर बटन ऑन करना ही पड़ेगा क्योंकि करने के लिए, ठीक है, ये बंद हो चुका है। अब मुझे ये ऑन करना है तो मैं अपने फिंगरप्रिंट से ही इसे चालू करूँगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ मैच हो चुका है। अगर आप ये सोच रहे हो कि किसी और उंगली से भी आप कर सकते हैं तो देखिए, मैं इस बीच वाली को छोड़ के मैं इस उंगली से करता हूँ। तो दोस्तों नीचे आप देखेंगे यहाँ पे फेल लिखा आ रहा है, आप इसे किसी भी और उंगली से नहीं कर सकते, जिससे आप करेंगे उसी उंगली से इसे ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक है दोस्तों। तो आपके उसमें ऐसे ओपन हो जाएगा, बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है और काफ़ी अच्छा भी है और सिक्योर भी रहेगा, आपका मोबाइल कोई छेड़ नहीं सकता इसके बाद, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको एप्लीकेशन अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर करें दोस्तों, आप लाइक नहीं करते प्लीज़ लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए भी हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, एंड लव यू, बाय बाय, अपना ख्याल रखें।